गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे अपन चाइल्ड एब्यूज के बारे में, यानी कि बाल शोषण क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो बाल शोषण के बारे में बता दिए गए कितने टाइप के बाल शोषण होते हैं। मेनली मोस्टली थ्री टाइप के होते हैं, उसका फिजिकल शोषण कह सकते हैं, दूसरा ये लैंगिक सेक्सुअल, और थर्ड होता है इमोशनल। तीन टाइप के एब्यूज बच्चे के साथ देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं एब्यूज की वजह से जो बाल शोषण होता है उनकी वजह से चाइल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी लाइफ स्टाइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बच्चे कहते कहते देखने को मिल सकते हैं। तो आज का नेक्स्ट अपना है इफेक्ट ऑफ चाइल्ड। फिर बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन, तो और क्या देने को मिल सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो बाबा किसी का शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो क्या रहेगा, वो अकेला रहना स्टार्ट हो गया, तो अकेले प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। स्टार्ट कर लेगा इसके अंदर बार बार क्या हो रहा है, एब्यूज हो रहा है। तो एब्यूज होने के पीछे दूसरों पे ट्रस्ट करना वगैरह वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी वजह से उसके अंदर अकेले बन के क्या हो जाएगी, बढ़ती हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं उसमें क्या मिलेगा मेरे को, दिस ओरेंज बिहेवियर, ठीक है। जो उसका बिहेवियर कैसा है, दिस ओरेंज हो जाएगा, मतलब जो प्रॉपर बिहेव होना चाहिए वो बिहेवियर शो ना करते, इधर भी फिर उचित व्यवहार
साथ होते हैं और कहीं मेरे का और मेरे जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा कि उसका फिजिकली ग्रोथ होनी चाहिए वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी और मेंटली क्या जाएगा पेशेंट डिस्टर्ब रहेगा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से क्या उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं क्योंकि बार बार इसका शोषण हो रहा है इसका एबी जो है डेवलपमेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे प्रॉपर ग्रोथ मिल नहीं रहा है तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा तो बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है इससे क्या होता है ऐसी पद्धति कि बाल सूखे बाल गल भी क्या होता है इसका रीजन है बाल गल भी होता है वो भी क्या है चाइल्ड एब्यूज के अंदर आता है कि बच्चे की परवरिश के बिना उसकी इच्छा के बिना उसकी कम एज में शादी कराना भी क्या है एक तरह से बाल है एक तरह से क्या है चाइल्ड एब्यूज है यानी बाल शोषण के बाल जो भी कराना है क्या है चाइल्ड एब्यूज है। उसके नेगेटिव इफेक्ट बाल शोषण के अब इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं प्रिवेंशन या रोकथाम कैसे कर सकते हैं तो बाल शोषण को रोकथाम कैसे करते हैं रोकथाम करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले एजुकेशन शिक्षा जब सब जब प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी तो अपना भी क्या बाल जो शोषण उस पर क्या रोक लग जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मोटिवेशन कार एम से बच्चों से काम करा उनके मालिक को तो मोटिवेशन होता है कि बच्चे के काम की एज नहीं है उनके पढ़ने की एज है उनके डेवलपमेंट की एज है और आप बच्चों से काम नहीं करवाए तो बच्चों से काम नहीं करवाएंगे उनका क्या होगा बाल थोड़ा बंद हो जाएगा। फिर बात करते हैं किसी प्रदर्शनी के द्वारा या बोलते हैं नाटक यानी कि रोल प्ले बाल रोल प्ले अटेंड करके रोल प्ले करके और कम्युनिटी में जागरूकता अभियान चला के जो सोसाइटी या कम्युनिटी उधर है जागरूकता अभियान चला सकते हैं लोगों को जागरूक कर सकते हैं बाल शोषण के विरोध के प्रति तो उससे भी क्या होगा इसमें आगे आएगी रोकथाम आ जाएगी बाल शोषण के अंदर। ठीक है और क्या जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जॉब नहीं करवाना है कहीं पे काम नहीं करना मालूम क्या एजुकेशन जब तक 14 साल का बच्चा है तो किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करा सकते और बच्चों को एजुकेशन 14 साल तक बच्चे को जो अनिवार्य एजुकेशन वो दी जानी चाहिए उसके बाद या उससे पहले किसी प्रकार कोई वर्क नहीं करा कोई काम नहीं कोई जॉब नहीं करवा सकते इस एक्ट के अंदर हो सकते हैं बाल आता है कि बाल मजदूर क्या है गैर कानूनी है। ठीक है ये हो गया बाल मजदूर के कुछ कारण इस प्रकार से क्या है बाल मजदूर को रोक सकते हैं। दूसरा है सरकार के द्वारा नीति बना के फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के द्वारा फैमिली वेलफेयर बच्चों के बाल मजदूर के बाल उनको प्रिवेंट किया जा सकता है रोका जा सकता है और बाल जा रोक लगा के चाइल्ड पेन होती है बाल का जा सकता है। ये हो गया अपने प्रिवेंशन के बारे में।